पाकिस्तान से तोहफे आए हैं जनाब, खोलना मत जब तक मैं शाम को नहीं आऊंगा, ठीक है? तोहफे आए तोहफे। Wer sagt das? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक मजे में। दरअसल आज सुबह सुबह मैं निकला यहाँ से एज यूजुअल, गया मेलब को किंडरगार्टन में छोड़ने, उसके बाद फिर मैं घर आया। अभी घर आके नहा धो के सब रेडी होके हमने ये सोचा है आज कि हम अपने भाई के घर जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो जस्ट भाई को मिलने गए थे, और अब हमने सोचा कि जैनब के कुछ सामान वगैरह आए थे तो वो भी लेकर आ जाएं, क्योंकि आज मेरी भाई का छुट्टी है तो उनको ड्यूटी में नहीं जाना, इसी वजह से हम चलते हैं आज। तो बस अब हम निकल ही रहे हैं। हम निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। यहाँ पे क्रिसमस ट्रीज बेचे जाते हैं। मेरा इरादा है इस साल कि मैं एक क्रिसमस ट्री लूँ और घर में लगाऊं, पर ज़ैनब इजाज़त नहीं दे रही। दरअसल मुझे अभी भी याद आया कि मेरे पास और एक पोस्ट पड़ा है जो मुझे भेजना है। अभी आप सोच रहे होंगे आए दिन इनके पास पोस्ट ही पोस्ट होते हैं। यहाँ पे पोस्ट की कंट्री है और यहाँ पे बस पोस्ट हर दिन आते भी हैं, भेजने ही पड़ते हैं। ये भाई ज़ैनब को भूख लग गई फिर से, डिनर खाना है इनको अब, पर ज़ैनब अभी तक बंद है। चौराहा आप देख ही रहे हैं, ये टर्न। और हमारे शहर का मिड है ये, और इस गली में आगे उस तरफ जो हैं सारे मार्केट होते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है, सब दुकानें वहाँ पे हैं। और ये हमारा पर्स, मैं जाके यहाँ पे अपना पर्स भेजता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं स्टेशन की तरफ। सर्दी इतनी हो रही है कि बस मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रहे अब, पर हम आपके लिए व्लॉग्स बनाते रहेंगे। सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई। ज़ैनब को लिफ्ट में चलना है, अब चलते हैं। तो लिफ्ट भी आ गया, आ जाए। दरअसल ज़ैनब को सिर्फ झूला झूलना था, इसी वजह से ज़ैनब ने कहा कि हम लिफ्ट में बैठेंगे। नहीं चलो भाई, यहाँ से भी ज़ैनब को लिफ्ट में लेके चलते हैं। खुल जाओ सिम से। तो भाई फाइनली हमारा ट्रेन भी अब आ गया। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अब हम पहुँचे ब्रिम। अब ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। दरअसल हमारा सिटी जो है वो पोर्ट सिटी है, मैं और ज़ैनब अब यहाँ पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं। बस भी तकरीबन 5 मिनट में आने वाले हैं। यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसी वजह से मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। साय में तो बहुत सर्दी है, इसी वजह से हम अभी धूप पे आके खड़े हैं यहाँ पे। लो भैया हमारा बस भी अब आ गया। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। और एक बात और आपको बताता चलूँ मैं, जो ये इलाका है, जब मैं जर्मनी में शुरू शुरू में आया था तो मैंने अपने 2-3 साल शुरू के इसी इलाके में गुजारे थे, क्योंकि मेरा घर यहीं पे ही था। अब हम बाइक के घर पहुंच गए हैं यहाँ पे, और नाश्ता लग रहा है। अब चले आपको यहाँ का बाहर का लुक दिखाएं। जब मैं मेलब के साथ आता हूँ तो नीचे जो है वो ज़रा प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए, तो वहाँ पे हम खेलते हैं। भाई भी आ गए। ये मेरे बड़े भाई हैं अब्दुल सलाम, कुछ लोग तो जानते ही होंगे इनको। ये अभी पाकिस्तान से आए हैं, वहीं पाकिस्तान में थे अपने हमारे भाभी के साथ। तो अब नाश्ता लग रहा है, हम बैठ के नाश्ता करते हैं। म्यूज़िक तो आप सुन ही रहेंगे, और क्योंकि ज़ैनब और मेरी भाभी वहाँ पे
भाई की शादी का वीडियो देख रहे हैं और हमें एक काम मिला है कि ये आयात और अल्लाह के नाम वगैरह लेके आए हैं भाभी और भाई अपने कमरे के लिए, तो हमें वो लगाने हैं। अब तो हम लगाते हैं, किस ऊंचाई में लगा रहे हैं? इधर ही, बिल्कुल इधर ही, हाँ इधर लगाओ, बीचे बीचे हो, बीचे, हाँ ओके सही है। बल सिक्योरिटी पे, बाबला पे, शेराजी पे, हम काम जो करते ना 100% करते हैं, मामू तन्ना की तरह। हाँ तन्ने नाम बाबा गोश पे, बाबला पे, बाबा बाबला गोश पे, आबिद नेट पे, सिक्योरिटी पे, वही एक पीस लग गया। अब हो गया, लग गया भाई। आप मुबारक, आप देखिए मेरे आज का काम बड़े साफ सफाई से लगाया मैंने। अगर आपको भी कोई काम वगैरह हो ऐसा कुछ तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके घर हाजिर हो जाऊंगा। ये हमारे भाई के शादी के कुछ क्लिप्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेरे चाचा हैं, भाई हैं, भाई के दोस्त हैं और मेरे अब्बू जान, और बीच में जो बैठे हैं ना अलमान भाई हैं, और ये कुछ कोर्ट के कुछ लोग हैं। ये बाबला है, बाबला ना, बाबला वाह। ये हमारे काले जोश भाई और ये हमारे औरन भाई। औरन भाई जो है ना हर किसी को छेड़ते हैं, अब इधर छेड़छाड़ी कर रहे हैं, आप देखें। इनको तो आप जानते भी हैं, इनका अपना चैनल भी है यूट्यूब का, वी फॉर कैनेडा। और अभी आप देखें इधर भी छेड़छाड़ करेंगे हमारे औरन भाई। ये रहे, आ गए औरन भाई, इधर भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, पता नहीं किसको। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अल्लाह हाफिज़ सलाम भाई। जैनब को तो सर्दी लगती है इस बर्फ़ में, पर इस कोयल को देखूं, वो बर्फ़ में भी खेल रहा है। टाटा भाई, अल्लाह हाफिज़। जैनब तो पीछे हमारा पाकिस्तान से आया हुआ तोहफा लेके खड़े हैं। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, मैं काम की तरफ और जैनब जाएंगे घर के, जैनब को घर में छोड़ेंगे। दरअसल मैं अभी आने वाले हैं, मेरे काम के दोस्त सालार जिनको आप पहचानते भी हैं, वो यहीं पे नज़दीक में ही उनकी रिहाइश है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको लेके चलता हूँ अपने साथ। तो साला भी आ चुके हैं, सलाम अलैकुम, और जैनब पीछे बैठी हुई हैं। तो हम चल रहे हैं अभी घर की तरफ, मतलब जैनब को घर में छोड़ेंगे और हम काम की तरफ जाएंगे। और ये जो सालार मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, क्योंकि इनके घर वाले भी मेरे पास आते जाते रहते हैं और हम इनके पास आते जाते हैं, तो इसी वजह से ये अभी आए हैं एक्स्ट्रा हमारे लिए और हमें पिक करने के लिए। और हमारे पास पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें गाड़ियों में आपको हर गाड़ी में शायद मिल जाएं, हमारे पास यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ से दिखता है कि हम देसी लोग सभी ऐसे हैं। ये छोटा सा कुरान है इनके गाड़ी में, कुरान रहा इसमें अंदर, और ऐसा इस ताफ ने खोआ अंदर है ना, या इसके अंदर भी ये बोला, जब मैंने ये गाड़ी खरीदा था तो मुझे ये दोनों कुरान गिफ्ट मिले थे, ये इनकी बेगम साहिबा की तरफ से और ये एक दोस्त की तरफ से इनको गिफ्ट मिले थे। शायद हमें भी कुछ गिफ्ट मिल जाए जब हम गाड़ी खरीदें दोगे में। आजकल हर जगह यही, ये बस रोड ही बना रहे हैं। अब बस हम जैनब को ऊपर पहुंचाते हैं
फिर खुद निकलते हैं। ओए ओए, पाकिस्तान से तोहफे आए हैं जनाब, खोलना मत जब तक मैं शाम को नहीं आऊंगा, ठीक है? तोहफे आए तोहफे। एक बस पीने के लिए कुछ लेते हैं मैं और सालार। अब हम काम पे पहुंच गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल के वीडियो में, अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। एक्चुअली अभी जो मसला हो रहा था ना, सालार पूछ रहे थे कि सही है नहीं है पीछे, दरअसल इसका मसला ये है क्योंकि ये ऊपर से अस्त्र निकला हुआ है तो कैमरा इसके नीचे लगा हुआ है, तो ये इसको जज नहीं पड़ पाता, इसी वजह से। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, चेज़।